और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। इलाके में स्कूली छात्राओं को स्कूल जाते समय ट्रक ने कुचला। जी हां, दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में स्कूली छात्राओं को स्कूल जाते हुए ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर एक छात्रा की दर्दनाक मौत जबकि दो घायल, जिसमें एक की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद सड़क पर किया हंगामा। कार से टक्कर लगने के बाद ट्रक की चपेट में आई थी तीनों बच्चियां। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को किया गिरफ्तार, जबकि कार सवार कार समेत मौके से हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सड़क हादसे ने स्कूली छात्रा की जीवन लीला समाप्त कर दी। साथ ही इस हादसे में दो अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल यह मामला बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बेस्ट रोड में से एक रोहतक रोड पर पीरागढ़ी के पास का है। हादसा तब हुआ जब उद्योग बिहार व पीरागढ़ी के बीच से गुजरने वाली रोहतक रोड को छात्राएं स्कूल जाने के दौरान पार कर रही थी। मृतक छात्रा का नाम मनीषा है, जबकि घायल छात्राओं में से कल्पना और संजना शामिल है, जिनका उपचार निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। जिस ट्रक ने मनीषा को कुचला उस पर LPG गैस सिलेंडर लदा हुआ था। परिजनों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे तीनों छात्राएं उद्योग नगर स्थित अपने घर से पीरागढ़ी स्थित सर्वोदय विद्यालय के लिए निकली। उद्योग नगर परिसर से निकलने के बाद उन्होंने रोहतक रोड पार करना शुरू किया। इस दौरान जैसे ही सड़क पार करने लगी, इनका सामना एक तेज रफ्तार कार से हुआ। तीनों छात्राएं कार से टकराने के बाद सड़क पर ही उछल कर गिर गईं। इसके पहले कि तीनों संभल पाती, मनीषा एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई और कुचली गई। कार चालक तो तीनों को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया, लेकिन इसके पहले कि ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार होता, आसपास मौजूद लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया और ट्रक चालक को दबोच लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला कि मनीषा की तो मौके पर मौत हो चुकी। गौरतलब है कि रोहतक रोड दिल्ली के सबसे बेस्ट रोड में से एक है, जो दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। इसके अलावा जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां पर आए दिन ट्रैफिक जाम जैसी घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, बावजूद इसके शायद ही कभी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर दिखाई देती है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि जब पुलिस व यातायात पुलिस दोनों को पता है कि सुबह के समय सड़क को पार करने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं जाते हैं। जी हाँ, सुबह ही ऐसा समय होता है जब स्कूल के बच्चे स्कूल के निकलते हैं, लेकिन शायद उनके घर वालों को नहीं पता होता या उनको नहीं पता होता कि स्कूल जाते समय ये हादसा हो जाए या उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बहुत बुरी घटना है, बहुत दुखद घटना है। आपको बताएं, यहाँ पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जगह न्यूज़ 24 आपसे सवाल करता है कि यहाँ पे पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की गई? परिजनों ने कहा कि यहाँ हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। रोहतक रोड पर सड़क पार करने के दौरान इसके पहले हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुलिस इस समस्या के प्रति मूक है। साथ ही परिजनों ने यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज की भी मांग की है। ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जगह न्यूज़ 24 से, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगह न्यूज 24 दिल्ली से नेशनल सह संपादक अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। सूरज, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना थी? पूरी घटना ऐसी थी कि बच्चे स्कूल जा रहे थे सुबह के टाइम पर, 7:30 बजे के टाइम पर, साथ ही स्कूल जा रही थी। उस टाइम पे उनको कार वाले ने पहले हिट किया, उसके बाद जो डेथ हुई मनीषा यादव। बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोल। कल्पना बेटा, क्या हुआ था? स्कूल जा रहे थे, क्या था, बताए कौन और कौन था? 18 साल के बाद में। और कौन था?